हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव प्रकाश सेंटर में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जानेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, UIDAI ने हाल ही में देश भर में कितने आधार सेवा केंद्र खोले हैं? ऑप्शन बी 28 आधार सेवा केंद्र खोले हैं। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। यह बैंकों में, डाकघरों में और राज्य सरकार द्वारा संचालित आधार केंद्रों पर बनता है। लगभग 38,000 आधार नामांकन केंद्र हैं। इसके CEO पंकज कुमार हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्तों इसे ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड खेलो इंडिया के युवा खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में होगा? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन समारोह 10 जनवरी को गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है। यह 10 जनवरी से 22 जनवरी तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ESPN क्रिक इन्फो की टेस्ट सीरीज के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन बी विराट कोहली को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य को अशांत घोषित किया गया है और AFSPA को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन डी नागालैंड को बढ़ा दिया गया है। AFSPA का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। 11 सितंबर 1958 में पारित हुआ। केंद्र ने सशस्त्र बल अधिनियम 1950 के तहत पूरे नागालैंड को 6 महीने की एक और अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ग्लोबल फैमिली डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। यह हर साल 1 जनवरी को शांति के संदेश को एकजुट करना और फैलाना है कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है, ताकि दुनिया को सभी के रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाया जा सके। तो दोस्तों ये परीक्षा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नीदरलैंड हॉलैंड को अपने उपनाम के रूप में छोड़ने की योजना बना रहा है, नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस वेटलिफ्टर को हाल ही में डोपिंग के आरोपों के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन डी सीमा को प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। सीमा ने 2017 की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ने रजत पदक जीता है। डोपिंग क्या है? तो दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका शॉर्ट नाम है NADA यानी कि नाडा है। यह परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्तों इसे ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अरुण जेटली की जयंती पर किसने एक पुस्तक जारी की है जिसमें द
रेसनेस, मैन द मैनी फैसेट ऑफ अरुण शामिल हैं। ऑप्शन डी वेंकैया नायडू शामिल हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। अरुण जेटली देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन सी पैगी व्हिटसन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच पैगी फिटसन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में किस स्थान बरकरार रखा है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ऑप्शन ए 8वें को बरकरार रखा है। तो दोस्तों IWF का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिपेंडेंट वुमन फ्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। मीराबाई चानू ने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है और 2018 में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक भी जीता है और उन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखना। ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।